अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट रहमान और आप देख रहे हैं टिकू बाबू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग प्ले स्टोर के अंदर इजी पैसा या जेस कैश का जो डेबिट कार्ड होता है उसको आप लोग किस तरह से ऐड कर सकते हैं। सो बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि क्या हम प्ले स्टोर के अंदर इजी पैसा या जेस कैश का जो डेबिट कार्ड है उसको ऐड कर सकते हैं या नहीं। ओके, सो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बनाया था कि आप लोग जो है ना प्ले स्टोर के अंदर किस तरह से पेमेंट मेथड को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि प्ले स्टोर के ऊपर कुछ गेम्स या कुछ एप्स जो है ना पेड होती है, उसको बाय करने के लिए हमें जो है ना पे करना पड़ता है और पे हम जो है ना अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना सिर्फ डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो है ना वो अलाउड है। बाकी कंट्रीज़ में जो है, अगर इंडिया की बात करें तो उधर और भी बहुत से मेथड है जिसे आप लोग प्ले स्टोर के अंदर बाय कर सकते हैं। ओके, सो दोस्तों, अगर आपके पास इजी पैसा या जेस कैश का डेबिट कार्ड है और आप लोग जो है ना प्ले स्टोर के अंदर ऐड करना चाहते हैं, सो दोस्तों आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इजी पैसा या जेस कैश जो है ना वो सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे यूज़ कर सकते हैं आप लोग। अगर आप लोग जो है ना प्ले स्टोर के अंदर जो है ना कुछ गेम या एप्स बाय करना चाहते हैं, सो इसके लिए दोस्तों अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो उसको आप लोग ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो दोस्तों इसका मैं आप लोगों को एक हल बता रहा हूँ कि आप लोगों ने नया पे या सादा पे का अकाउंट बनाना है। नया पे या सादा पे दोस्तों आप लोग जो है ना बिल्कुल इजी पे जेस कैश की तरह आप लोग एक ही शनाख्ती कार्ड और एक ही मोबाइल नंबर के ऊपर बना सकते हैं और फिर उसका कार्ड आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, सो दोस्तों यहाँ से मैं प्ले स्टोर ओपन करता हूँ। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद ऊपर प्रोफाइल का आइकन है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने सादा पे कार्ड को ऐड करूँगा। ओके, ऑलरेडी मैंने नए पे कार्ड को भी ऐड किया है। अभी जो है ना मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि सादा पे कार्ड को मैं ऐड करूँगा, लेकिन आप लोग जो है ना जेस कैश या इजी पैसा का जो डेबिट कार्ड है उसको ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ डोमेस्टिक लेवल यानी पाकिस्तान के अंदर जो शॉपिंग मॉल है या पेट्रोल पम्प्स है या और जो है ना मुख्तलिफ जो है ना वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसके ऊपर आप लोग जो है ना ख़रीदारी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग प्ले स्टोर के अंदर इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए आप लोग जो है ना फिर नया पे या सादा पे को जो है ना यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नया पे सादा पे जो है ना आप लोग इंटरनेशनली यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आप लोग नया पे सादा पे को नहीं जानते, सो आप लोगों ने क्या करना है कि मेरे चैनल में जाना है, आप लोगों ने यहाँ पे यूट्यूब में जाना है, यहाँ पे मेरा चैनल है टिकू बाबा, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पर मेरा पूरा प्ले लिस्ट सादा पे और नया पे मैंने बनाया है। ओके, यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास है सादा पे, सादा पे का अकाउंट किस तरह बनाना है और इसमें आप लोगों ने कार्ड को किस तरह ऑर्डर करना है, सो सारे वीडियोज़ यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। ये सादा पे है, उसके अलावा यहाँ पे नए पे है। ओके, नए पे के ऊपर भी मैंने 30 वीडियोज़ बनाई है। ओके, नए पे का अकाउंट आप लोगों ने किस तरह से बनाना है, उसका कार्ड किस तरह से ऑर्डर करना है, पूरा डिटेल से मैंने एक एक चीज़ पर वीडियो बनाया है। ओके, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अपने अकाउंट बना सकते हैं और कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, प्ले स्टोर में पेमेंट मेथड जो है ना आप लोगों ने पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन को यहाँ पे जो है ना सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों ने पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने अपना जो नंबर है कार्ड का वो एंटर करना है। सो यहाँ पे मैं सादा पे कार्ड को यूज़ करूँगा। ओके, सो सादा पे कार्ड का जो नंबर है वो मैं एंटर करूँगा। तो दोस्तों कार्ड नंबर एंटर करने के बाद फिर आपका जो एक्सपायरी डेट है कार्ड के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा, वो आप लोगों ने एंटर करना है। ओके, उसके बाद दोस्तों आप लोगों का जो सीबीसी कोड है वो आप लोगों ने एंटर करना है। सो यहाँ पे मैं वो ऐड करता हूँ। उसके बाद मैं नीचे सेव कार्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। सो हमारा जो कार्ड है वो ऐड हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा जो सादा पे का मास्टर कार्ड है वो ऐड हो चुका है। सो बिल्कुल आसानी के साथ जो है ना आप लोग यहाँ पे सादा पे या नया पे कार्ड को ऐड कर सकते हैं। फिर आप लोग कोई भी चीज़ है वो आप लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्ले स्टोर के अंदर मुख्तलिफ गेम्स या मुख्तलिफ एप्स जो है ना आपको पेड मिलेंगी। सो आप लोग यहाँ से फिर बाय कर सकते हैं। शर्त ये है कि आपके कार्ड में बैलेंस होना चाहिए और आप लोग आसानी के साथ परचेजिंग कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आप लोग जो है ना अपना नया पे सादा पे अकाउंट बनाना चाहते हैं, आपको तरीका नहीं आता, सो आप लोग मेरे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं या आप लोग मुझे व्हाट्सएप के ऊपर जो है ना मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो के ऊपर एक लाइक दे, चैनल पर नए बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।